नमस्कार दोस्तों, टूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक जादुई मंत्र के बारे में बताऊंगी। ये मंत्र सबको पता है लेकिन इसका प्रयोग शायद बहुत कम लोगों को पता है। आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि आपके वीडियोस में बहुत सारे मंत्र कहे जाते हैं। जी हाँ, मैं कहती हूँ लेकिन बड़ा लिमिटेड मंत्र कहती हूँ, क्योंकि जो मंत्र काम करेगा, जो आप कर सकते हैं, वही मंत्र मैं देती हूँ। आज का मंत्र भी जो है ये इतना पावरफुल है और साथ में कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और अगर इस चीज को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी, आपको शांति भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी और आपके जीवन में एक ठहराव आएगा। यानी जीवन बस उथल पुथल से भरा हुआ है और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इस प्रयोग को जरूर कीजिए और गारंटी देती हूँ कि आप ही आकर कमेंट करेंगे इस वीडियो में कि मेरे काम बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र ये एक अद्भुत चमत्कारी मंत्र है और ये ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली मंत्र है। अगर कोई काम नहीं बनता है, अगर कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, बहुत उपाय कर चुके हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। गारंटी दे रही हूं जीवन बदल के रह जाएगी, क्योंकि ये प्रयोग मैंने खुद करके देखा है और मैंने जहां भी ये सजेशंस दिया है वहां पर से मुझे अच्छे फीडबैक्स आए हैं। और गायत्री मंत्र सर्वशक्तिशाली मंत्र है लेकिन इसका बहुत किसी को पता नहीं है कि इसे आखिर एग्जैक्ट किस समय में हम यूज करते हैं। देखिए, अक्सर आप लोगों ने दूसरों के मुंह से सुना होगा कि मेरे तो भाग्य फूटे हुए हैं, मेरे साथ ये नहीं होता, मेरे साथ वो नहीं होता, हमेशा मेरे साथ असफलता मुझे हाथ लगती है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं। ठीक है, देखिए इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होता है एस्ट्रोलॉजी से कि आपकी ग्रह, आपकी महादशा, प्रत्यंत दशा, आपकी कुंडली में क्या दोष है, क्या है, ये तो डिपेंड करती है। लेकिन गायत्री मंत्र जो है ये इतना पावरफुल मंत्र है कि आपके ग्रहों के दोषों को भी कम करती है। ठीक है, तो अब मैं बता रही हूं कि आप लोगों को करना क्या है। बहुत हार चुके हैं, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। वो लोग भी करें जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर जिनको सफलता नहीं मिल रही है। बार बार नौकरी के लिए वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन नौकरी भी नहीं लग रही है। कोई बच्चा है जो अच्छे अंकों से पास ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऐसी भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों की तो ये उपाय जरूर कीजिए। करना बहुत आसान है लेकिन इसमें होनी चाहिए साफ मन, साफ कपड़े, ढीले ढाले वस्त्र और साथ में इच्छा शक्ति। यहाँ पर बहुत सारे मंत्रों के चांटिंग के बारे में बताए जाते हैं कि कैसे चांट किया जाता है, कौन सी माला यूज की जाती है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन धैर्य के बिना कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ 3 महीने मेरे इस बताए गए उपाय को कीजिए। आप देखेंगे आप खुद आकर मुझसे थैंक्स कहेंगे। मेरे लिए इतना ही काफी होगा क्योंकि मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाती हूँ, क्योंकि आप लोग सभी परेशान हैं, मैं भी परेशान थी, लेकिन मैंने जो जो उपाय अपने जीवन में लाए हैं वही आप लोगों के पास मैंने लाया है। ठीक है, करना बहुत आसान है। करना क्या है, आपको सिर्फ या तो तुलसी की माला लेनी है या फिर रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला पंचमुखी हो तो सर्वोत्तम है। ठीक है, तो 108 दानों की माला लेनी है और बिल्कुल इसे सूर्योदय से पहले करना है। अगर किसी कार्य की इच्छा है और वो पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बस गायत्री मंत्र का ये उपयोग बस 3 महीने तक लगातार कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी कार्य बनती है या नहीं बनती है। साफ सुथरे ढीले ढाले वस्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम चांटिंग करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे शरीर में एक उत्तेजना पैदा होती है। अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो इसीलिए कंफर्टेबल होकर ही मंत्रों का चांटिंग करना चाहिए और वो भी ढीले ढाले वस्त्र के साथ। दूसरी बात, हमेशा गायत्री मंत्र चांटिंग करने के लिए लाल आसन का यूज किया कीजिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तीसरी बात, आप लोगों को जो करना है कि मन में हमेशा ये विश्वास रखना है कि आप जिस कार्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं वो माँ गायत्री पूरी जरूर कर रही हैं। बस इतना सोचकर आप लोगों को गायत्री मंत्र का चांटिंग एवरीडे सूर्योदय से पहले 108 बार करनी है।
आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, या फिर आपकी जो भी इच्छा थी वो पूर्ण हो रही है। बीच में ही न छोड़ दे, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम होता है। यानी जैसे मैंने कहा कि अगर आपके जीवन में आप खुद नोटिस कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र के इस प्रयोग से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, तो इसे कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन लोगों को रिजल्ट मिलता है और वो इसी खुशी में छोड़ देते हैं। इसे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? कंटिन्यू करेंगे तो फायदा आप लोगों को ही है। दूसरी बात, गायत्री मंत्र तो एवरीडे आप लोगों को सूर्योदय से पहले करना है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि सूर्य का आपको स्वागत भी करना है। जिस घर में, जिस घर की महिलाएं हमेशा देर से उठती हैं, वो महिलाएं कभी भी घर की बरकत की मालकिन नहीं बनती। अक्सर महिलाओं की शिकायत होती है कि हमारे घर में हमें तवज्जो नहीं मिलता है, हमारे घर में हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो मैं सबसे पहले एक कारण ढूंढ के आप लोगों को बता रही हूँ कि किस कारण से आप लोगों को नहीं मिलता है। सबसे पहले, घर की महिलाएं कभी भी देर तक ना सोए, यानी सूर्योदय के बाद भी ना सोए घर की महिलाएं, घर के पुरुष भी। लेकिन घर की महिलाएं होती है घर की लक्ष्मी। कभी भी ज्यादा देर तक सोना आलस को निमंत्रण देना है, साथ ही दरिद्रता को भी निमंत्रण देना है। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल बातें बताती हूँ, जिसे मानेंगे तो आप बहुत खुद ही अपने जीवन में परिवर्तन खुद ही महसूस करेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी बातें अक्सर हम लोग भूल जाते हैं अपनी गलत आदतों की वजह से। ज्यादा देर तक अगर महिलाएं सोती हैं तो माँ लक्ष्मी का वास वहाँ कहीं नहीं होता है, है ना? तो इसीलिए घर की महिला होती है घर की मालकिन। तो उनको हमेशा घर को बांधे रखने के लिए खुद पर कुछ नियम अप्लाई करने चाहिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना और सूर्य देव का स्वागत करना। ठीक है, तो स्वागत करने का मतलब क्या है कि वेलकम करना। हर दिन सूर्य जब उगता है तो घर का हर एक दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए, यानी कि जहां से सूर्य की रोशनी आ सके। इसे कहते हैं कि ऐसा करने से सूर्य देव का स्वागत हम करते हैं। लेकिन सूर्य देव अपने समय पर हमेशा उठते हैं, लेकिन हम ही कभी उनका स्वागत अगर ना करें तो देखेंगे आपके जीवन में परेशानियों का अंत कभी नहीं होगा, और कभी भी उस घर के लोग निरोगी नहीं बनेंगे, बस रोगी ही बनेंगे। तो इसीलिए अगर आपको घर में धन की बरकत, माँ लक्ष्मी का आगमन अगर चाहिए, तो हमेशा घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाया कीजिए। तीसरी बात जो ध्यान देने योग्य है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो हर एक कार्य बहुत आसानी से हो, किसी को घर बनाना है, किसी को जमीन जायदाद खरीदनी है, और किसी को चाहिए कि बहुत जीवन में तरक्की मिले, तो हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान को भोग लगाना है। भगवान को आपको भोग बहुत सारे मिठाइयाँ और पकवान देकर नहीं करना है। भगवान बहुत अल्प से संतुष्ट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि भगवान को कुछ नहीं तो कम से कम बताशा ही सही, लेकिन ये हर एक दिन के भोग में लगना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी अन्न के अभाव नहीं देखेंगे। और मेरी बात मान लीजिए और लिख लीजिए कि आप ही लोग होंगे कि अगर ये तीन रूल्स अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आएगा और आप खुद आकर मुझे धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में गजब का बदलाव ला सकता है, लेकिन करना आपको है धैर्य के साथ करना है। बस 3 महीने का टाइम दे रही हूँ, 3 महीने करके देख लीजिए, इससे पहले ही आप लोगों को रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन एक आदत, 3 महीना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 3 महीना आपकी आदत को जागरूक रखने के लिए काफी होता है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।